हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.2। इसके कुछ क्वेश्चन रह गए थे, उन क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन हैं देखते हैं, क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया था, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या चीज है? एनसीईआरटी कह रहा है, इफ वन कामा टू, फोर कामा वाई, एक्स कामा सिक्स, थ्री कामा फाइव आर द वर्टिसेस ऑफ द पैरेललोग्राम। ये किसके वर्टिसेस हैं? पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं। चलिए, पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं, पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं, तो देख लेते हैं क्या चीज है हमारे पास। मान लेते हैं ये है, बी है, सी है और डी है। कितना दिया गया है? 1.2, 4.y, x.6, उसके बाद में 3.5। ये बोला है ऑटो वर्सेस पैरेललोग्राम, फाइंड द एक्स एंड वाई। हमें ये चीज बोला गया है कि वर्टिसेस ऑफ द पैरेललोग्राम है, जिसे एग्जांपल नंबर आपका पीछे करे हैं, एग्जांपल जो लास्ट एग्जांपल्स का, तो उससे क्वेश्चन इस तरीके से है। आपको पता है, आपको पता है व्हाट इज द ऑफ पैरेललोग्राम ए की वैल्यू कितनी है? 1.2। बी की वैल्यू जो है वो कितना है? 4.y। और जो सी की वैल्यू है वो है x.6, और जो डी की वैल्यू है वो है 3.5। ये हमारे पास है। हमको पता है डायगोनल जो है बाइसेक्ट टू ईच अदर। ये पैरेललोग्राम बोला है, वर्टिसेस बोला है, हमसे बोला है एक्स और वाई निकालना है। एक्स और वाई तभी निकलेगा जब हम पैरेललोग्राम के डायगोनल्स की बात करेंगे, ठीक है? जैसे क्योंकि इस डायगोनल को मीट करेंगे, इस डायगोनल से ये पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा, ये इंटरसेक्शन पॉइंट मिला। इस डायगोनल एसी डायगोनल से भी ये मिल जाएगा और बीडी डायगोनल से भी ये मिल जाएगा। तो क्या है पॉइंट ओ, डिविजन पॉइंट ऑफ एसी इज इक्वल टू डिविजन ऑफ पॉइंट ऑफ डिविजन पॉइंट ऑफ बीडी। ये चीज कह सकते हैं। तो डिविजन पॉइंट ऑफ एसी क्या है? जो ओ है ये, और हमको पता है बाइसेक्ट है, तो ये जो हो ओ होगा वो मिड पॉइंट होगा। ए जो होगा वो क्या होगा? एसी का मिड पॉइंट होगा ओ, और ओ जो होगा हम यहां बात कर लेते हैं, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी है। ओ जो है इज ए मिड पॉइंट ऑफ एसी एंड बीडी डायगोनल। ठीक है, इस डायगोनल के मिड पॉइंट है, इसलिए हम डिविजन पॉइंट
आप AC इज इक्वल टू डिवीजन पॉइंट ऑफ BD ये लिखते हैं। अब AC का डिवीजन पॉइंट क्या होगा ये चीज हमको पता है, या x1 plus x2 by 2, या तो मैं x2 plus x1 by 2 मैंने मिड पॉइंट के लिए कल बताया था कि जब भी मिड पॉइंट की बात आता है x2 plus x1 by 2 x क्वाड्रेंट मिल जाएगा, y2 plus y1 by 2 y क्वाड्रेंट मिल जाएगा। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं AC के लिए, AC के लिए लिख सकते हैं x plus 1 by 2 comma और 2 plus 6 by, ये तो AC के तो हुआ है। और division point of BD भी क्या है, वो सेम ही है, तो हम भी कह सकते हैं 3 plus 4 by 2 और उसके बाद में 5 plus y by 2। तो x plus 1 by 2 comma ये हो जाएगा आपके पास 4 is equal to 7 by 2 और 5 plus y। देखा गया है x plus 1 by 2 is equal to 7 by 2, compare कर ले इसका x, इसका x बराबर होगा और ये खत्म हुआ तो x की वैल्यू आती है 6। इस तरीके से y की कंपैरिजन हुई तो y 4 equal to कितना हो जाएगा 5 plus y by 2, अब multiply किया it is equal to 5 plus y और y की वैल्यू क्या निकल के आई, y की वैल्यू 5 इधर आएगा तो subtract होकर के 3 देगा। ठीक है, तो required value क्या होगी आपके पास, required value x is equal to 6 और y is equal to 3। ये हुआ हमारे पास फॉर द ग्रीवल नोट डाउन। फिर आगे की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या चीज कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ सर्कल। अगर सर्कल का जो डायमीटर है, ये सर्कल है, इसका डायमीटर है ए बी ये, उसके बाद आपसे बोला जा रहा है वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ सर्कल, उस डायमीटर ए बी का जो है ए पॉइंट फाइंड आउट करना है, whose center is, जिसका सेंटर बोला गया है ए बताना है आपको। ठीक है, ए क्या होगा x कमा वाई को मान ले, whose center is 2 कमा माइनस 3 और जो बी पॉइंट है वो कितना है 1/4 है। भैया ये ए बी का अगर आपका देखे ए बी डायमीटर है और जो सेंटर है वो आपके पास 2 कमा माइनस 3 ये का क्या हुआ सेंटर 2 हुआ। तो हमें दिया गया है जी सेंटर क्या है, सेंटर कितना आपके पास 2 कमा माइनस 3 और डायमीटर इंच कितना हो गया, डायमीटर मीटर स्क्वायर इंच है वो x कमा वाई और d जो है वो है 1 कमा 4। ठीक है, तो जो सेंटर होता है वो क्या होता है, सेंटर जो होता है ए मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर, डायमीटर क्या होता है मिड पॉइंट होता है। अगर डायमीटर का मिड पॉइंट होता है तो हम ये लिख सकते हैं भैया कि जो ओ पॉइंट होगा ओ इज इक्वल टू एक्स टू प्लस एक्स वन बाय टू कमा वाई टू प्लस वाई वन बाय टू, ये सिक्सर फॉर्मूले से भी आप कर सकते हैं, रेशियो वन ले लीजिए और इससे जो भी मिलेगा यहां लिख देता हूं मैं क्योंकि आपका मिड पॉइंट है राइट से बड़ा रेशियो क्या आएगा 1:1 आएगा। और जब सेक्शन फार्मूले में 1:1 रखेंगे तो ये फार्मूला आपको क्रिएट हो जाएगा। तो ओ पॉइंट आपके पास क्या है माइनस ये और इज इक्वल टू ओ पॉइंट 2 का माइनस का 3 है,
एक्स टू की वैल्यू कितनी है आपके पास? वन है, और एक्स की वैल्यू क्या है? एक्स है, और वाई टू का मान, वाई टू की वैल्यू कितनी है? फोर है, प्लस वाई वन कितना है? वाई है, और वाई टू कंपेयर कर दीजिए, ये एक्स ये एक्स बराबर हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई ऑफ फोर मिला, यानी एक्स की वैल्यू कितने मिल गई? थ्री मिल गई। ठीक है, इस तरीके से वाई को कंपेयर कर लें, माइनस का थ्री इज इक्वल टू फोर प्लस वाई बाई टू, क्रॉस मल्टीप्लाई किया सिक्स इज इक्वल टू फोर प्लस वाई, और अगर इधर क्या आया तो y की वैल्यू आएगी माइनस का टेन। ठीक है, तो रिक्वायर्ड वैल्यू क्या होगी? रिक्वायर्ड वैल्यू वैल्यू हुई x इज इक्वल टू थ्री और y इज इक्वल टू माइनस का सिक्स, सॉरी माइनस का सिक्स नहीं टेन। ऑफ द रेडियो नोट डाउन, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर एट की तरफ। क्वेश्चन नंबर एट क्या कहता है आंसर? क्वेश्चन नंबर जो एट है वो क्या कहता है हमसे? वो कहता है इफ ए एंड बी आर, ए की जो है जो आपके पास गिवन है वो है पॉइंट ए कितना है माइनस का टू का मान माइनस का टू, बी वो है टू का मान माइनस का फोर, फाइंड द क्वाड्रेंट ऑफ पी सच दैट एपी इज इक्वल टू थ्री बाई सेवन एपी एंड पी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट एपी, जो पी है वो एबी पे लाइज करता है। इसको इधर समझते हैं, जो ए है और बी है इस ए और बी के बीच में एक पी लाइन करता है, ये जहां पे हमें एपी डिस्टेंस दी गई है, यानी ये एपी की डिस्टेंस दी गई है कितनी है थ्री बाई सेवन एपी, एपी दिया गया, एपी डिस्टेंस दिया गया कितना थ्री बाई सेवन एपी। तो हमको ये चीज तो पता है, वी नो दैट एपी प्लस बीपी इक्वल टू कितना होगा एपी होगा, और अगर एपी प्लस बीपी आपका एपी होगा तो एपी की वैल्यू कितनी है थ्री बाई सेवन ए बी प्लस बी पी इज इक्वल टू ए बी। इसको उधर लेकर के जाओ बी पी की वैल्यू क्या आ जाएगी ए बी माइनस थ्री बाई सेवन ए बी, तो बी पी की वैल्यू क्या निकल के आई सेवन वन जो सेवन ए बी माइनस का थ्री ए बी बाई सेवन, तो बी पी की वैल्यू क्या निकल के आई सेवन में से थ्री गया था फोर ए बी बाई सेवन, ये हो गया एपी मिल गया बीपी मिल गया। इस एपी और बीपी को अगर ध्यान से देखें हमें, तो अगर ये रेशियो मिल जाए, ये एम रेशियो एन मिल जाए तो बात बन सकती है। रेशियो कब मिलेगा? तो रिक्वायर्ड रेशियो जो हुआ, रिक्वायर्ड रेशियो जो होगा वो होगा भैया पी के इधर वाली लेंथ और पी के उधर वाली लेंथ, उन्हीं का क्या होगा डिवीजन होगा रिक्वायर्ड रेशियो इक्वल टू क्या होगा एपी बाई बीपी। ये तो रेशियो होता है पी के इधर डिस्टेंस पी के उधर जो डिस्टेंस है दोनों डिस्टेंस का डिवीजन रेशियो होगा। तो हम एम अपॉन एन की वैल्यू क्या होगी एपी कितना आपके पास एपी है थ्री एपी बाई बाई सेवन थ्री एबी बाई सेवन डिवाइडेड बाई फोर एबी बाई सेवन, ये खत्म हुआ एबी से एबी खत्म हुआ और एम बाई एन की वैल्यू क्या मिली एम बाई एन की जो वैल्यू मिल रही है
वो 3/4 मिल रही है, ठीक है, 3/4 मिल रही है, यानी रिक्वायर्ड जो रेशियो है वो क्या है, अब रेशियो क्या है आपके पास 3:4 का, तो हमारे पास रिक्वायर्ड जो पॉइंट है, रिक्वायर्ड डिवीजन पॉइंट पॉइंट ऑफ एबी क्या है, पी, यानी एक्स कमा वाई है, इसी को निकाल दो। सेक्शन फार्मूला का यूज करिए तो पी कितना मिलेगा, क्योंकि हमें आप ये मिड पॉइंट नहीं है, अलग अलग पॉइंट है, हमें सेक्शन फार्मूला कहता है एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन वाई एम प्लस एन और एम वाई टू प्लस एन वाई वन बाई एम प्लस एन। पी की जो वैल्यू है वो चीज हमको नहीं पता है, क्या चीज है हमारे पास, एम की जो वैल्यू है वो आपके पास 3 और जो एन की वैल्यू है वो है 4 3 × एक्स टू कितना आपके पास, बी कितना है, बी है 2, एक्स टू की वैल्यू है 2 प्लस 4 × एक्स वन कितना आपके पास, एक्स वन है माइनस का 2 डिवाइडेड बाय कितना मिलेगा 3 + 4 = 7। इसी तरीके से आपके पास 3 × वाई टू की जो वैल्यू है वो कितनी है, माइनस का 4 और प्लस 4 × वाई वन की वैल्यू है माइनस का 2 डिवाइडेड बाई 3 + 4 ये मिलेगा। अगर देखा जाए तो मिलेगा कितना, एक्स कमा वाई ये जो वैल्यू मिल रही 3 × 6 3 × 6 4 × 8 -6 6 - 8 y 7 3 × 4 = 12 और 4 × 8 माइनस का 8 और माइनस का 12 क्या मिलेगा, माइनस का 20। अगर आप इसको देखें तो इधर भी माइनस का 12 भी है और उधर माइनस का 8/7 तो x जो पॉइंट मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, माइनस का 2/7 कमा माइनस का 20/7 ठीक है। तो रिक्वायर्ड पॉइंट जो पी का मिला वो कितना मिला, माइनस का 2/7 और माइनस का 20/7 ठीक है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, 9 की बात है, कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग माइनस ए एंड बी इनटू 4 इक्वल पार्ट। कह रहा है कि आपको पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट निकालना है जो ए बी को जॉइन करने वाली लाइन को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। चलिए करते हैं इसको, जैसे ट्राइसेक्शन वाला क्वेश्चन था वैसे ही है। तो हमको कह रहा है कि पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट बताना है जो ओ ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो पी हो गया एक पार्ट, ये हो गया एक पार्ट, ये हो गया क्यू और एक पार्ट ये ले लो आर। तो पी क्यू आर जो है 4 इक्वल पार्ट में इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो ये सारे की डिस्टेंस आपस में क्या है, बराबर है ठीक है। तो हमको दिया गया है कि लाइन जॉइनिंग पॉइंट कितना है, लाइन जॉइनिंग पॉइंट जो है वो है ए -2, 2 बी 2, 8 ठीक है। नाउ P, Q and R divide AB
फोर इक्वल पार्ट, फोर इक्वल पार्ट में क्या करता है वो डिवाइड कर देता है। चलिए देखते हैं फोर इक्वल पार्ट में अगर डिवाइड करता है तो जब फोर इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है तो हम क्या करते हैं हमें पी क्यू आर निकालना है। तो जैसे इस आसान तरीका निकालने का आपके पास तो ए की वैल्यू आपको पता ही है कितना है माइनस टू टू कामा टू है और बी की जो वैल्यू है वो पता ही है टू कामा एक है। अगर ध्यान पूर्वक देखें तो ये क्यू वाले पॉइंट पे टारगेट करें क्योंकि इधर डबल डिस्टेंस है क्योंकि इधर भी डबल डिस्टेंस है तो इसका मतलब ये क्या हुआ क्यू क्या हुआ क्यू ए बी का मिड पॉइंट हो गया क्योंकि इधर भी डबल डिस्टेंस क्योंकि उधर भी डबल डिस्टेंस क्यू जो हुआ वो मिड पॉइंट हुआ। तो हम लिखते हैं क्यू जो है क्यू इज ए मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अगर ए बी का जो मिड पॉइंट है तो पॉइंट क्यू जो होगा वो कैसे लिख सकते हैं पॉइंट क्यू को लिख सकते हैं हम या एक्स टू प्लस एक्स वन बाई टू या तो क्या मिड पॉइंट कैसे लिख सकते हैं आप मिड पॉइंट के लिए सीधी सी बात है मिड पॉइंट के लिए कैसे लिख सकते हैं आप लिखते हैं मिड पॉइंट उसके लिए कैसे लिख सकते हैं एक्स टू प्लस एक्स वन बाई टू y2 प्लस y1 by 2 ये। अब पॉइंट क्यू निकालना है तो भाई पॉइंट क्यू निकाल लीजिए पॉइंट क्यू जो है वो क्या निकलेगा x2 है क्या by 2 है x1 कितना है माइनस का 2 है by 2 कम y2 कितना है 8 है और y1 कितना है 2 है by 2 तो q जो निकल के आया है वो कितना निकल के आया है Q जो पॉइंट निकल आया है जीरो कामा फाइव जीरो कामा फाइव निकल गया है तो जीरो कामा फाइव अब रख लीजिए यहां पर ये हुआ जीरो कामा फाइव। और अगर ध्यान से देखें जो P है वो P किसका मिड पॉइंट है P जो मिड पॉइंट है वो AQ का है हम यहां लिखते हैं जो P है P इज ए मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू ए पी सॉरी ए क्यू। अगर ए क्यू का मिड पॉइंट है तो पॉइंट पी क्या निकल के आएगा पॉइंट पी निकल के आएगा इसी तरीके से अगर देखा जाए तो माइनस टू प्लस जीरो बाई टू उसके बाद में टू प्लस फाइव बाई टू ये मिल के आ गया तो पी की जो वैल्यू आई वो आई माइनस का वन कामा सेवन बाई टू ठीक है। उसके बाद आर की बात देखें तो आर भी क्या है मिड पॉइंट ऑफ क्यूबी आर जो है वो किसका मिड पॉइंट है क्यूबी का मिड पॉइंट है तो पॉइंट आर जो निकलेगा फिर से वही मिड का फॉर्मूला लगा दीजिए कितना मिल जाएगा जीरो प्लस टू बाय टू और उसके बाद में 5 प्लस 8 बाई टू आर की जो वैल्यू मिली 1 कामा 13 बाई टू ये तो रिक्वायर्ड जो पॉइंट है रिक्वायर्ड पॉइंट हमको क्या मिल रहा है P जो मिल रहा है वो है माइनस का 1 कामा 7 बाई टू और जो Q मिल रहा है 0 कामा 5 है और जो R मिल रहा है वो कितना है 1 कामा 13 बाई 2 है ठीक है। पॉज द वीडियो और नोट डाउन बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है इस पर भी फोकस कर लेते हैं।
फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर 3, 0, 4, 5, -1, 4। तो ये मान लेते हैं ये रोम्बस है, ये हमारे पास 3, 0 है, 4, 5 है, -1, 4 है, इसके बाद में -2, -1। ये हमारे पास आगे की तरफ अगर देखें टेकिंग ऑर्डर ये हमारे पास है, तो हम ये बात करते हैं ज्वाइन। हमें हिंट दिया गया है, इस बात को समझ लीजिए कि क्वेश्चन पेपर में हिंट्स नहीं दिए जाएंगे, हिंट्स वगैरह प्रैक्टिस क्वेश्चन जितनी ज्यादा करवाएंगे उसके हिसाब से आपके क्वेश्चन सोल्यूशन होंगे। हिंट्स तो बिल्कुल ही नहीं दिया क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। तो हम मान के चलते हैं कि हमारे पास क्या क्या फिनोमेना है, हमारे पास क्या क्या टॉपिक्स है, तो हमको क्या पता चलता है, हमको पता चलता है कि भैया एरिया क्या होता है आपके पास, रिक्वायर्ड जो पॉइंट है, पॉइंट जो है ए जो है वो कितना है 3, 0 है, और उसके बाद में बी कितना आपके पास 4, 5 है, इसके बाद में -1, 4 है, और उसके बाद में -2, -1 है, -1 है, सॉरी ये है सी पॉइंट हो गया, ये डी पॉइंट हो गया। तो हमें क्या चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ इस डायगोनल का हाफ चाहिए हमें, तो डायगोनल निकाल लेते हैं। डायगोनल एसी जो होगा वो निकाल लेते हैं। एसी डायगोनल कैसे निकलेगा, डिस्टेंस फार्मूला लगा दीजिए आपके पास, सी माइनस ए करना आपके पास, सी माइनस ए तो सी माइनस ए करना है, तो सी कितना आपके पास ये है और ए कितना ये है, तो -1, -3 का होल स्क्वायर, फोर माइनस जीरो का होल स्क्वायर। एसी को जो वैल्यू निकल के आई है वो निकल के आई है कुछ इस तरीके से, -4 का स्क्वायर मतलब 16 का, ऑफिस के बाद में 16, तो एसी की जो वैल्यू निकल के आई है वो 4, 16 प्लस 16 क्या हुआ 2 टाइम्स ऑफ 16, ये लिख सकते हैं, और एसी की जो वैल्यू निकल के आई है 4√2 यूनिट, ये निकल के आई है। डायगोनल बीडी जो होगा वो क्या होगा, डायगोनल बीडी जो होगा वो भी इसी तरीके से निकलेगा, डी माइनस बी करना पड़ेगा आपको, डी माइनस है -2, -4 का होल स्क्वायर प्लस -1, -5 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से अगर देखा जाए तो हमको क्या मिल रहा है, हमको मिल रहा है 36 में और प्लस -6 का होल स्क्वायर और -6 का फिर से होल स्क्वायर 36, और देखा गया 36 और ये कितना मिलेगा 2 टाइम्स ऑफ 36, और 36 इधर की तरफ आया निकला बाहर की तरफ, तो हमको क्या मिला 6√2 यूनिट, ठीक है, हमको 6√2 यूनिट मिला हमको, और जब 6√2 यूनिट मिला बीडी तो हम एरिया निकाल सकते हैं। एरिया कितना मिलेगा, एरिया फ्रॉम बस क्या होता है, एरिया फ्रॉम बस होता है हाफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल आपके पास 1/2 × डायगोनल, एक डायगोनल कितना आपके पास एसी है और एक डायगोनल क्या है बीडी है, एसी और बीडी की जो वैल्यू है वो चीज आपको पता चल गई है, एसी और बीडी की वैल्यू लगी है निकाल लीजिए आपके पास, एसी और बीडी की वैल्यू क्या निकलेगी आपके पास, एसी की वैल्यू 1/2, एसी की वैल्यू क्या आपके पास 4√2 है, और बीडी की जो वैल्यू निकल के आई है वो कितने निकल के आई है 6√2, तो 6√2 ये अगर देखा जाए तो ये हो गया आपके पास 2, तो 2 × √2 का मतलब क्या हुआ 2 हुआ, और इंटू 6 और वैल्यू निकल के आई 64,
स्क्वायर यूनिट, ठीक है, ये निकल के आएगा आपके पास एरिया ऑफ रोम्बस, ठीक है, एरिया ऑफ रोम्बस क्या हुआ, इतना 24 स्क्वायर यूनिट हुआ। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन।